सर इसका इसका भी हम ताल्लुक है ना अपने परिसर अभ्यास माहौल का मुताला से जोड़ सकते हैं हम इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड थर्ड में है ना तीन अजमा कैसे हैं जो हमारे आसपास कौन कहाँ रहता है और आह कितने किस्म के जानवर और जानवरों का मस्कन अपना अपना, तो इस तरीके से हम उनको करते थे कि चिड़िया कहाँ रहती है तो घोंसले में रहती है, घोंसला कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ऐसे हम और भी बाकी बच्चों के बाद आपने कौन कौन सी जानवर लेकिन जो अपने घरों में रहते हैं या कोई और जानवर से लेकर बनी हुई है हमारी, ये भी सब पूरा माहौल की सब जखेरा किए हमने, पत्तों का जखेरा किए हैं ऐसे हर किसी बच्चों ने सब कलेक्शन किए पूरे इसका, और वो पहचान गई कौन से पौधा है दर का पौधा दर पत्ता है, ये हमने उसको बना के ऐसे रखा दिया, हर इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पपीते का पत्ता है, ये नारियल का है, लीमू है, केला है, और उसके आगे से लेंगे अगर देखें तो हमने यहाँ पे मोहम्मद कारी कोलाज पेंटिंग थोड़ा सब्जियों की पहचान कराई है और दालों का इस्तेमाल और चावल वगैरह का इस्तेमाल करके इस तरह से क्योंकि ये कैसा जखेरा भी अपने पास रहता है और बच्चों में मतलब अच्छे से हौसला अफजाई होती है, बच्चों में शौक पैदा होता है कि नारियल के ज़रिए से ये पालतू जानवर और परिंदे था, हमने पालतू जानवर लगाए थे, परिंदे लगाना थोड़ा रह गया था हमारा, और ये कोलाज पेंटिंग है वो इससे भिंडी जो है ना अपनी उसकी मदद से बनाया हुआ है कोलाज है, कागज़ कुतर के मतलब करके भी उसको हम कोलाज पेंटिंग बना सकते हैं, क्योंकि देखो सभी बच्चे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऐसा